अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं। बिहार का एक ऐसा मुखिया जो निरंतर समाज सेवा कर रहा है। आपको बता दें कि अपना निजी व्यवसाय से कमाई गई राशि का उपयोग जनता के हित के लिए कर रहा है। कई लोग ऐसे कुछ उदाहरण पेश कर जाते हैं जो मील का पत्थर बन जाता है और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपको बता दें कि सहरसा के एक ऐसे मुखिया को आज हम फोकस करने जा रहे हैं जो अपने निजी राशि से सड़क बनवाते हैं आम जनता के लिए। बता दें कि बलवा हाट से लेकर मोहनपुर पंचायत तक का सड़क ठीक कराया जा रहा है। बरसात के समय जब गली मोहल्ले का रास्ता चलने लायक नहीं होता है, तब भी मुखिया संजीव कुमार समाज सेवा की भावना से सड़क को ठीक कराते हैं। बता दें कि पिछले 3 दिनों से सड़क का काम लगातार जारी है। मुखिया संजीव अपने निजी फंड से यह काम करा रहे हैं। आपको बता दें कि संजीव निरंतर जनता के बीच जाते हैं और उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर रखे हैं। बलवाहाट में मुखिया जी ने निजी कोष से सड़क की मरम्मत कराने का ठान लिया। और फिर क्या था, पिछले 3 दिनों से सड़क का काम जोर शोर से चल रहा है। मोहनपुर पंचायत को जाने वाली यह सड़क लगभग 10 सालों से जर्जर थी। मुखिया बनने से पहले भी संजीव तमाम जनता के बीचों की तकलीफ पहुंचकर बांटते रहे हैं और मुखिया बनने के बाद मुखिया फंड से जो भी राशि आती है उसे निर्बाव से समाज सेवा में लगाते हैं। मोहनपुर पंचायत को जाने वाली सड़क लगभग 10 वर्षों से जर्जर है। आबादी बढ़ने से उप सड़क पर आवागमन भी बढ़ गया। यातायात जब ज़्यादा सक्रिय हुई तो लोगों को परेशानियों भी दिखने लगी। ऐसे में उन्होंने मुखिया जी से अनुरोध किया कि कुछ कीजिए। मुखिया जी भी लगातार अपने बड़े प्रतिनिधियों और प्रशासन लोगों को जानकारी देकर इस सड़क की मरम्मत के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन जब देखा कि ढाक के 3 पात, तो फिर उन्होंने खुद ही आगे बढ़कर निजी फंड से सड़क बनाने का जिम्मा उठा लिया। आपको बता दें कि आवागमन बढ़ी है तो मरम्मत भी जरूरी थी और इसके लिए संजीव मुखिया आगे आए। लंबे समय से सड़क जर्जर रहने से सड़क उखड़ कर गड्ढे में तब्दील हो गया। वर्षा होने से गड्ढे में पानी भी जमा हो गया, जिससे वाहनों की आवाजाही और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती चली गई। जर्जर पथ में दुर्घटनाओं की संभावना जब बढ़ गई तो मुखिया जी संजीव जायसवाल आगे आए। निजी कोष से बलवाहार चौक से मोहनपुर पंचायत तक की जाने वाली सड़क का मरम्मत शुरू करा दिया। ईंट मिट्टी गिरने लगे और सड़क पर एक ऐसी उम्मीद की किरण जग गई जिससे आम लोगों को सुविधा मिल सके। आपको बता दें कि रबिश व ईंट का चूर्ण आदि डलवाया जा रहा है, सड़क को आवागमन के काबिल बनाया जा रहा है। मौके पर उप मुखिया चंदन शाह, वार्ड सदस्य नीतीश कुमार उर्फ पपलेश एवं कई अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि संजीव मुखिया जब से बने हैं तब से छोड़िए, ये पहले से ही इस समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत गांव के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। निरंतर कुछ लोगों की आंखों में भले ही खटकता हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि संजीव मुखिया निजी फंड से कभी तालाब का मरम्मतीकरण में अपना सहयोग करते हैं तो कभी सड़क मरम्मत में, और निश्चित रूप से ये बेहद सराहनीय कदम है। ऐसे जब खबरों का सिलसिला चल रहा हो तो ऐसे पॉजिटिव खबरें भी देखनी चाहिए और दिखानी चाहिए, ताकि और लोग भी इससे प्रेरित होकर अपने अपने गांव में कुछ बेहतर कर सके, कुछ बेहतर की उम्मीद भी जग सके। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए, और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।